वेलकम टू ममता राव किचन। आज हम बेसन के नमकीन चटपटे खुरमे बनाएंगे। ये किस प्रकार से बनते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, इसे बताने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। खुरमे बनाने के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यह हमने एक कप बेसन लिया है। इसी साथ ही हमने कुछ लाल मिर्च ली है, ये हमने गर्म मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और सॉल्ट लिया है, थोड़ा सा अजवाइन लिया है, जीरा लिया है और ऑयल लिया है और थोड़ा सा पानी लिया है आटे को बनाने के लिए। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, इतना, आधी से भी कम हम लाल मिर्च डालेंगे। उसी तरह से हम हल्दी पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा और अजवाइन। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे इसका डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे, इसका अच्छा सॉफ्ट डो बना लेंगे। से हमने इसका थोड़ा टाइट और सॉफ्ट आटा बना लिया है। ये ज़रा टाइट है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसकी दो लोई कर लेंगे इस तरह से और इसकी लोई बनाकर अच्छे से इसको बेल लेंगे। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। नीचे सरफेस पे हमने ऑयल लगा दिया है। इस तरह से हमने इसे पतला बेल लिया है। अब हम चाकू की सहायता से हम जिस साइज में चाहे उस साइज में इसको काट सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे काट लेंगे। इस तरह का शेप दे देंगे हम इसको। और से एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से सभी खुरमों को हमने प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है।
ऑयल गर्म हो गया है, इसे हम चेक करने के लिए डाल देंगे। ये हमारा ऊपर आ गया है, इस तरह से हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें कोरमों को ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से हमने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ऑयल में जाने के बाद ये सभी अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से अलग अलग होने लगे हैं। इसे हम पलट पलट के अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। कोरमे हमारे होने लगे हैं, इसे हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें हल्का गुलाबी रंग आया है और थोड़ा सा गुलाबी कलर और आ जाने पर हम इसको बाहर निकालेंगे। कोरमे हमारे हो गए हैं, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हम ऑयल को निथार लेंगे और इसे बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमने कोरमों को बाहर निकाल लिया है। नमकीन चटपटे कोरमे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। आपको अगर ये पसंद आता है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।